दोस्तों अभी हमारे देश के बहुत सारे राज्य में गलत कामें हो रही है। हाल फिलहाल कोलकाता में हुआ था, मैं कोलकाता से ही हूँ। यहाँ पे तो बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन और भी राज्य में हुआ, बट वहाँ पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट नहीं हुआ। तो इसी सब घटनाओं को लेकर एजाज खान ने हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी को एक शिकायत किया। वीडियो में उन्होंने क्या क्या बोला पहले आप देख लीजिए। एक्चुअली आज नरेंद्र मोदी जी के साथ चिल करने का दिल किया मेरा, तो मैं सोचा इनसे थोड़ी कंप्लेन कर देता हूँ कि सर देश में इतने रेप हो रहे हैं, इतनी मासूम बच्चियों के बलात्कार हो रहे हैं, ये बच्चियों को आप सजा क्यों नहीं देते सर? नहीं तो सर आप इनको सीधा गोली मरवा दीजिए सर, या फिर एक बार इस्लामिक कानून के हिसाब से इनको सजा दीजिए, बलात्कार ऑन द स्पॉट बंद सर। ये है हमारे मोदी जी, सर देश को बचा लीजिए सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आप ही का था सर, बचा लीजिए इस देश को। और आप मैम आप तो कुछ करिए प्लीज। उसके बाद दोस्तों उन्होंने बोला कि वो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, जो कि साइलेंट प्रोटेस्ट होगा, वहां पे कोई हंगामा नहीं होगा। क्या कुछ बोला आप देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं जा रहा हूं प्रोटेस्ट के लिए, क्योंकि अगर बाहर नहीं निकलेंगे ना तो कुछ नहीं होगा। अगर चुप बैठे हो तो अगली बारी तुम्हारी भी हो सकती है, अल्लाह ना करे अगली बहन या अगली बच्ची तुम्हारी भी हो सकती है। याद रखना कुछ भी हो सकता है। मैं फरहत देशमुख के साथ जा रहा हूं, मेरी बहन के साथ, साइलेंस प्रोटेस्ट करने, और करता रहूंगा जो मुझसे हो सकेगा, मैं करता रहूंगा जस्टिस के लिए।